हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल ड्रीम एजु किड्स में। मैं ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसमें से दो वीडियो मैंने डाल चुका है। एक फॉर्मूला पर बेस्ड है एक वीडियो और एक क्वेश्चंस पे है, वही फॉर्मूला को पुट करके। तो जिसने भी वो दोनों वीडियो नहीं देखा हो, तो दोनों वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और ऊपर आई बटन पर आएगा एक एक करके, पहले फार्मूला का, फिर इसके बाद उस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस का। 10 क्वेश्चंस करवाए थे, तो आप लोग उसको चेकआउट करके तो प्लीज़ उसको देखिएगा। और आज हम लोग नया फार्मूला बताएंगे आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर फॉर्मूला, ठीक है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बताएंगे, पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है, ब्लैक पेन से अच्छे से विजुअल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग लिखेंगे साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, इक्वल टू, और आंसर को हम रेड से लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू ब्रैकेट में फिर डॉट कॉस C माइनस टी डिवाइड बाई टू ब्रैकेट में, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे कि साइन C प्लस साइन D होता है टू साइन C प्लस D डिवाइड बाई टू डॉट कॉस C माइनस D डिवाइड बाई टू, ठीक है। यहाँ पे साइन C प्लस साइन D का हम लोग को पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टू नंबर। टू नंबर में आ जाएगा आपका साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू, ठीक है, तो आपका साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू डॉट साइन C माइनस डी डिवाइड बाई टू, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन C माइनस साइन डी का, तो साइन C माइनस साइन डी का हो जाएगा टू कॉस C प्लस डी डिवाइड बाई टू डॉट साइन C माइनस डी डिवाइड बाई टू, ठीक है। अब हम लोग थर्ड को बनाएंगे, ठीक है, अब हम लोग थर्ड को बनाएंगे। तो थर्ड आपका है cos C प्लस cos D इक्वल टू टू cos C प्लस D डिवाइड बाई टू डॉट cos C माइनस टी डिवाइड बाई टू, ठीक है, क्या हो जाएगा cos C प्लस cos D का हो जाएगा टू cos C प्लस D बाई टू डॉट cos C माइनस D डिवाइड बाई टू, ठीक है। थर्ड का हम लोग देख लिए, एंड अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में आ जाएगा आपका
कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू, ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी का हो जाएगा आपका माइनस टू साइन सी प्लस टी डिवाइड बाई टू डॉट साइन सी माइनस टी डिवाइड बाई टू, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी का दो ठो होता है, एक तो माइनस में हो गया और एक और होता है अभी बताते हैं आपको, ठीक है। दूसरा हो गया आपका टू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई टू डॉट साइन डी माइनस सी डिवाइड बाई टू, ठीक है। दो ठो होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का, एक होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई टू डॉट साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई टू, ठीक है, और दूसरा होता है टू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई टू डॉट साइन डी माइनस सी डिवाइड बाई टू। कैसे, तो यहाँ पे आपका d कैसा है और c कैसा है, तो आपको कहीं क्वेश्चन में दिया होगा, कभी c बड़ा दे दिया होगा, ठीक है, तो कभी भी c बड़ा दिया तो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, ये वाला माइनस टू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई टू डॉट साइन सी माइनस डी वाला, जब c बड़ा दिया हो, यहाँ पे c इज greatest value और यहाँ पे हो जाएगा आपका d is greatest value, d greatest value है तब आपका ये formula लगेगा, c जब greatest value है तो आपका minus 2 sin c plus d वाला लगेगा, और नहीं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे d माइनस सी लग गया तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा कभी भी, याद रखिएगा। यहाँ पे हो, जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चंस का तो उसमें हम बताएंगे माइनस टू वाला ये वाला, ठीक है। तो आप लोग नए आए हैं मेरे चैनल को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक करें, और जितने भी दोस्त लोग हैं उन लोगों को शेयर करें। तो हमने ये चार फॉर्मूला है, ठीक है, अभी तो और भी बहुत सारे फॉर्मूला हैं जिसको हम लोग एक एक करके एक एक वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए एक बार रिमाइंड कर देते हैं आपको हम सब फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई टू डॉट कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई टू, ठीक है। फर्स्ट का ये हो गया साइन कॉस, ठीक है, कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, ये याद रखिएगा, साइन कॉस 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 साइन साइन। फिर साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा आपका टू कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई टू डॉट साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई टू, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉस सी प्लस डी, तो कॉस सी प्लस डी का हो जाता है टू कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई टू डॉट कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई टू, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है माइनस, एक होता है जब सी ग्रेटर देन हो, उसका वैल्यू सी का वैल्यू ग्रेटर हो मतलब बड़ा हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा माइनस टू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई टू डॉट साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई टू, ठीक है। और जब डी बड़ा हो तो आपका ये वैल्यू लगेगा टू साइन c प्लस डी डिवाइड बाई टू डॉट साइन डी माइनस सी डिवाइड बाई टू। ये चार फॉर्मूला है, ये चार फॉर्मूला आप लोग अच्छे से देख लें पाउज करके, फिर इसको आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस को पहले से लिखे हुए रहेंगे तो आप लोग सामने रहेगा और आप लोग उसको देख कर सॉल्व करिएगा, रुक कर सॉल्व हो गया तो समझ जाइएगा आपको ये फॉर्मूला याद हो गया है, एकदम माइंड में सेट हो गया है, ठीक है। तब तक
तब तक आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लें, चार फॉर्मूला को बहुत इम्पॉर्टेंट है 11th के लिए और अगले 12th के लिए, तो एक बार अच्छे से देख लें। तो चलिए आप लोग देख लिए होंगे ये फॉर्मूला को, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी सब दोस्तों को शेयर करें, और बाकी कोई भी चैप्टर का प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।